एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, राधे राधे जपो। अब बाबा जी से इंस्पायर्ड होके जीवन की एक नई दिशा मिली और उसने संन्यास ले लिया। अब ना तो नौकरी की टेंशन, ना छोकरी की टेंशन, ना पैसों की चिंता, ना जिम्मेदारियों का टंटा। लेकिन माता पिता उसके आ गए सड़क पर, क्योंकि उन्होंने लिया था स्टूडेंट लोन। अब बताओ, ऐसा संन्यास किस काम का? किसी के दिल दुखा करके तुम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। हाँ, भगवान तुम्हें स्वयं ही फ्री कर दे, खूब लो संन्यास। लेकिन इस बात का याद रखना कि चुनौतियां कम नहीं होंगी, संसारिक परेशानियों से ज्यादा ही होंगी। हमारी माता जी ने हमें कभी अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने संन्यास नहीं लिया। हमने सब कुछ किया, बाल भी त्यागे, एकांत में रहे, खूब अध्ययन किया, लेकिन संन्यास नहीं लिया। इसीलिए शायद उसकी कृपा है आज हम पर। संन्यास जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। गुरु माँ, लोग पूछ रहे हैं आप हर क्वेश्चन से पहले हंसते क्यों हैं? Like stress, happiness is also contagious. यानी किसी दुखी इंसान के पास अगर आप बैठ जाते हो तो उसके दुख का अनुभव करने लगते हो। उसी प्रकार से अगर आप किसी खुश या पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आते हो तो हंसने मुस्कुराने लगते हो। अब हम तो अपने राधेश के आनंद में आनंद मगन रहते हैं, वही आनंद आपके साथ बांटने चले आते हैं। कुछ देर ही सही, तुम्हारे परेशानी से मुरझाए चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है और ये देखकर मेरी हंसी और निखर जाती है। राधे राधे। गुरु माँ, सच्चे गुरु को कैसे पहचाने? दुख की बात है, कलयुग में जो सो कॉल्ड ज्ञानी जन है केवल किताबें पढ़ के ज्ञान की उल्टी कर रहे हैं। अध्यात्म ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही पढ़ाया जा सकता है। अरे, इसे तो केवल जी के दिखाया जा सकता है। अगर गुरु को आप बुद्धि से खोजने जाओगे तो बुद्धू बन जाओगे, और अंतःकरण से उसे खोजोगे तो उसे अपने सामने खड़ा पाओगे, जिसे देखते ही तुम ना रहो, जिसे महसूस करते जगत के सारे नाते छूट जाएं, जिसके समीप बैठ के जन्मों की प्यास मिट जाए और जिसे याद करके मन प्रेम अश्रुओं से भर जाए, समझ लो वो मिल गया है। गुरु माँ, ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष, ज्योति और ईश से मिलकर के बनता है ज्योतिष। ज्योति यानी कि प्रकाश, लाइट, ईश माने ईश्वर। वो लाइट, वो प्रकाश जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए, एक्चुअली ज्योतिष का मतलब तो वही है। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे संभव है? देखो, जब परेशान होते हो, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तुम ज्योतिष की तरफ जाते हो, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हो, तो ज्योतिष क्या करता है? तुम्हें एक उम्मीद देता है, तुम्हें एक सहारा देता है, तुम्हें बताता है कि ये बुरा समय इतने समय तक है, तुम्हें बताता है कि ये कष्ट इतने समय तक है, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए और शांति से तुम उस समय को काट सको या कोई उपाय कर सको ताकि वो समय तुम्हारा बेहतर हो सके और अपनी लाइफ की पर्पस जो कि है ईश्वर की प्राप्ति, उसकी ओर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। गुरु माँ, कुछ लड़कियों का क्वेश्चन है कि मेरे घर वाले पीरियड्स में बहुत भेदभाव करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करें? अगर आपके घर में दो चार फैमिली मेंबर हैं और उसमें से कोई छुआछूत कर रहा है पीरियड्स में आपके साथ, तो मैं तो कह रही हूँ मजे उठाओ, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में तुम एक कमरे पे कर लो कब्जा और खूब अपनी सेवा पानी कराओ, खूब दूर से ऑर्डर चलाओ, अब मुझे ये खाना, अब मुझे वो खाना, और कमरे में बंद हो करके अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ध्यान करना ध्यान करो, कोई अच्छी चीज पढ़ो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, नाम जप करो, नहीं तो कोई मूवी देख लो, खूब रेस्ट करो, खूब इंजॉय करो। कोई गलती से तुम्हें कोई काम भी बता दे ना, तो तुम उसे डराओ, छू दूंगी मैं, अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। फिर देखो, दो तीन महीने में तुम्हारे घर वाले तुमसे हाथ जोड़ लेंगे कि महारानी जी, तुम्हें जो करना है करो, हमें तंग मत करो। गुरु माँ, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें? जिस प्रकार से प्लान करके ईंट पर ईंट रख के आप एक मजबूत मकान बनाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों को संस्कार देना एक दिन का काम नहीं है, अभी तो सालों की मेहनत है। इसके लिए बेस्ट ट्रिक मुझे लगती है बेड टाइम स्टोरीज। आपके घर का कोई भी एक सदस्य रात के समय सोने से पहले बच्चों को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाए, यानी कि कहानी सुनाए, और उसके माध्यम से उनको अच्छे संस्कार, मॉरल वैल्यूज, इन सभी चीजों की शिक्षा दे। और ये डे वन से शुरू हो जाना चाहिए, और कोशिश करो कि कम से कम 20 से 25 साल तक आप निरंतर उसको कहानी के माध्यम से गाइड करते रहें। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कार आएंगे और वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा।
एक बच्चा आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरे समाज का निर्माण करता है, तो इसलिए उसके चरित्र का निर्माण करना आप ही का कार्य है। गुरु माँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं, आप हर वीरवार 100 से 200 लोगों से नारियल उगवाती हैं, क्या आप उन नारियल की चटनी बनाती हैं? नहीं, मैं नारियल की चटनी का भंडारण नहीं करती हूँ, मैं उससे नारियल से तुम्हारी बुरी किस्मत को फोड़ती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हम गद्दी पे बैठते हैं तो नारियल को मंत्र सिद्ध करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना भगवान के चरणों में लगाते हैं और मंत्र सिद्ध करके वो नारियल तुम्ही को लौटाते हैं, उसका प्रयोग बताते हैं, उसको प्रयोग करते हो तो जीवन में तुम्हारे कष्ट दूर होते हैं, भगवान के चमत्कार तुम्हें दिखते हैं। अगर इस चमत्कारिक फल का और मंत्र सिद्धि का चमत्कार तुम्हें देखना हो तो निःशुल्क एक टोकन लेकर के आ जाना गुरुवार को। गुरु माँ, क्या गाली देना पाप होता है? गाली देना पाप नहीं होता है, गाली क्या है, केवल शब्द है, मियर वर्ड्स। वो आप तब देते हो जब बहुत गुस्से में होते हो या फिर किसी को हर्ट करना चाहते हो क्योंकि आप हर्ट हो। मुख से निकले हुए शब्द, चाहे वो गाली है या नहीं है, अगर उसकी इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने की है, चोट पहुंचाने की है, हर्ट करने की है, तो वो सबसे बड़ा पाप है। ब्लेड के या चक्कू के जो घाव होते हैं वो तो भर जाते हैं, लेकिन जबान का जो घाव होता है वो मरते दम तक साथ रहता है। गुरु माँ, एक भक्त नाराज हो रहे हैं, कमेंट में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी थी लेकिन जवाब नहीं मिला। देखो, नाराजगी तो उसी से होती है जिससे बहुत प्रेम होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में मैं जवाब नहीं दे रही तो इस बात के लिए तो आपको जीवन भर नाराज रहना पड़ सकता है, क्योंकि कमेंट में आपकी जन्म कुंडली देखना, आपकी फेस रीडिंग करना, आपका नारियल मंत्र सिद्ध करके आपको देना, आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में लगाना, मेरे लिए तो संभव नहीं है। हो सकता है आपको कोई ऐसा ज्ञानी जन मिल जाए जो कमेंट पे आपकी सारी समस्या दूर कर दे, लेकिन मेरे से तो नहीं होता है। मैं ये मजाक या ये खाना पूर्ति तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ। कोई समस्या है, तसल्ली से आकर के हमसे मिलिए, निःशुल्क मिलते हैं, हर गुरुवार मिलते हैं, आपकी समस्या को दूर करेंगे। रुमा, क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे गुस्सा आता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता देखूं, किसी के साथ गलत होता देखूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। राधा से मैं सीधा काली बन जाती हूँ, और गुस्सा आना भी चाहिए। अगर किसी के साथ गलत होता देख, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपको गुस्सा नहीं आता है, देन आई एम सॉरी टू से, तुम एक मृत के समान हो। आध्यात्मिक होने का मतलब, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। इट्स एन इमोशन, एक भाव है, ये तो आएगा, लेकिन उसमें इतना कंट्रोल हो जाएगा कि तुम गुस्सा कर पाओगे, गुस्सा तुम्हें नहीं करेगा। आप जब चाहो खेल की तरह गुस्सा कर सकते हो, जितना मर्जी गुस्सा कर सकते हो, और फिर से अपने आनंद भाव में लौट सकते हो। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण यही होता है।